Realme GT Neo 5 ये काफी जल्द इंडिया में आने वाला है, जिसमें 240 वॉट की चार्जिंग मिलती है भाई, यानी बाथरूम से आए फोन चार्ज। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इस फोन का दिल इतना ज्यादा साफ है ना भाई कि आप लोग बाहर से देख सकते हो। अगर रात में आप लोगों को नहीं दिख रही है तो उसके लिए RGB लाइट भी लगाई गई है। इसकी डिस्प्ले भी काफी ज्यादा तगड़ी देखने को मिलती है, 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले, जहां पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 1.5K रेजोल्यूशन दोस्तों मिलती है, और 1400 निट्स की यहां पे पीक वाला ब्राइटनेस है गाइस, और ये 10 बिट डिस्प्ले है। इस वाले डिस्प्ले को यूज करके उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है जितना ज्यादा मजा आता था स्कूल में अपने क्रश को देख करके। भले वो भाव ना दे वो अलग बात है, लेकिन मजा तो आता था। और इसके प्रोटेक्शन के लिए आगे और पीछे 5 मंत्रों की शक्ति लगाई गई है, यानी गोरिल्ला ग्लास 5 की, और हड्डी भाई साहब ऑब्वियसली यहाँ पे मेटल की देखने को मिलती है। डिस्प्ले अच्छी है गाइस, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी तगड़ी वाली चाहिए, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिलता है, जो कि 4nm टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, और कॉर्टेक्स A710 है, यानी गेमिंग, डे टू डे लाइफ, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, सारे काम भाई साहब एकदम तेजी से कर देगा, जितना तेजी से आपको क्रश आपको देख के भागती थी। भागेगी क्यों भाई? अरे भाई अगर नहीं भागती तो वो तो GF होती ना, क्रश थोड़े होती। अगर आपकी भी कोई क्रश थी तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दें। दिखते हैं 2 कैमरास, लेकिन है 3 कैमरास, नीचे वाले छेद में 2 फिट किए गए हैं। दिस इज नॉट फेयर भाई, एक छेद में 2 डाल ले। खैर उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो 2 रुपए वाले हैं। तो यहाँ पे जो मेन कैमरा सेंसर है गाइस, वो 50 मेगापिक्सल का है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और 2 रुपए वाले मैंने बताया लेजेंडरी वाला। बाकी मेन कैमरा सेंसर जो है गाइस, वो OIS के साथ में आता है, यानी आपका हाथ अगर हिलता भी है तो फोटोस नहीं हिलेंगे, वीडियो। बाकी सेंसर वगैरह कौन सा यूज किया गया है वो चीज तो यहाँ पे रिवील नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे कुछ कैमरा सैंपल्स है आप लोग देख सकते हो। तो फोटोज वगैरह मुझे ठीक ठीक से ही लगे। अगर आप लोगों को सिर्फ फोटो के लिए फोन चाहिए ना, तो और भी सारे मार्केट में नमूने हैं भाई जिनकी तरफ आप लोग देख सकते हो इस प्राइस पॉइंट में, लेकिन आप लोग गेमिंग के लिए फोन चाहते हो तो भाई दिस इज दी सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो मात्र 16 MP के है भाई साहब। सेल्फी लवर्स की दिल टूट गई है। इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट चीज है गाइस, इसकी बैटरी डिपार्टमेंट जो कि 4500 mAh में से 50 mAh कम है। यहाँ पे मिल जाती है हमें 240 वॉट का चार्जर, जो कि पहला ऐसा फोन है जो कि इतने वॉट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है भाई साहब। यानी वॉशरूम से हाथ धो के आए फोन चार्ज, पोटी करके आए फोन चार्ज, पुच्ची ली फोन चार्ज, ओयो से आए फोन चार्ज। ओयो में टाइम लगता है भाई? कहाँ टाइम लगता है, 5 मिनट को तो काम होता है। यानी Realme वाले क्लेम करते हैं कि ये 10 मिनट में फुल चार्ज कर देता है फोन को, लेकिन यहाँ पे रियल लाइफ में आपको 14 से 15 मिनट लगने वाले हैं। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है गाइस, स्टूडियो स्पीकर्स है जो कि अच्छे वाले हैं। तो इतनी सारी माल मसाला हमें देखने को मिल जाती है Realme GT Neo 5 में, जिसकी प्राइसिंग यहाँ पे इंडिया में आपको 40 से 45 हज़ार देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी प्राइस और इसके स्पेक्स को देखूँ ना, तो यहाँ पे मैं कहूँगा एक ठीक देखने को मिल जाती है फोन हमें, लेकिन यहाँ पे Realme का नाम जोड़ देते हो ना तो भाई साहब मुझे नहीं लगता, और मेरे दिल से ही आवाज नहीं आ रही है कि मैं यार 40 से 45 हज़ार रुपए या फिर 50 हज़ार रुपए Realme जैसे ब्रांड पे इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि Realme और Xiaomi वगैरह मुझे ना बजट फोन में ही ठीक लगते हैं। और आप लोग 45 हज़ार या फिर 50 हज़ार के रेंज में जाते हो तो ऑब्वियसली यार काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, लाइक सैमसंग है या फिर OnePlus है, इन सभी के फोन यहाँ पे अच्छे खासे हमें देखने को मिल जाते हैं इस प्राइस पॉइंट में, जिनकी ब्रांड वैल्यू भाई Realme से काफी ज्यादा ऊपर है। वैसे आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर से बताना। वैसे आने दो इंडिया में, देखते हैं कितने यूनिट बिकते हैं, उससे हमें यह पता चल जाएगा भाई कि लोग Realme पे इन्वेस्ट करते हैं पैसा वगैरह या फिर नहीं। तो आने से ज्यादा भाई लोग कहे जा रहे हैं कि भाई इसी महीने में आएगा ये फोन, बाकी देखते हैं। चाइना में तो काफी टाइम पहले ही लॉन्च हो गया था, तो आई होप इस महीने आ जाए, लेकिन अगले महीने तो यहाँ पे फिक्स ही मान के चलो कि यहाँ पे आने वाला है। वैसे मुझे इसकी पीछे की डिजाइन काफी ज्यादा अच्छी लगी, जो कि ट्रांसपेरेंट है। हाँ, ट्रांसपेरेंट से याद है भाई, नथिंग फोन 2 भी आने वाला है, लगभग सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर कर दिए, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो और सब्सक्राइब करके जाना भाई, नहीं तो ऐसा मंत्र फूंक के मारूंगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको राखी बांध के चली जाएगी।